क्या जगह है यार, मतलब ये। हाँ अभी मून भी दिख रहा है यहाँ पे। सो हम लोग वहाँ से आ रहे थे और ये रास्ता लेकर अभी पता नहीं कहाँ तक जाना है। ये व्यू लेकिन बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। Hey guys, my name is Aditya and welcome back to the channel. So, title से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जगह पे जाने वाला हूँ। So, अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं एंड हम लोगों को फटाफट निकलना है सनराइज देखने के लिए। हम लोग बेसिकली देवमाली जाने वाले हैं जहां से हम लोग सनराइज देखने का हमारा प्लान है एंड हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। हम लोग को 4 बजे निकलना था। सो अब मुझे निकलना चाहिए। मिलते हैं आप लोगों से एक बार जब हम लोग देवमाली पहुंचेंगे। लेट्स गो। ऑलराइट, सो वी जस्ट मेड इट ओवर हियर टू द व्यू पॉइंट एंड यहाँ से जो व्यू है यार, ये वर्थ है। जस्ट लुक एट द व्यू। तो यहाँ पे अगर आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पे रात भर आप रुक के यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग कैंपिंग वगैरह भी करते हैं। यार हम लोग को भी रात को ही आ जाना चाहिए था यार, यहाँ पे है ना। कोई नहीं, तो ये व्यू तो खतरनाक है ही और यहाँ पे मून भी दिख रहा है, मतलब ओहो हो। और वो मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता। हाँ अभी मून भी दिख रहा है यहाँ पे। बहुत बढ़िया व्यू यार, ये बहुत बढ़िया व्यू। सो बेसिकली यहाँ आने के लिए ये जो जगह है, इस जगह का नाम है देवमाली हिल पॉइंट। सो वो गूगल करके तो रास्ता आपको पता चली जाएगा। एंड कोरापुट से ये कितना दूर है भाई? कोरापुट से ये अराउंड 60 किलोमीटर है। अराउंड 60 किलोमीटर। कोरापुट से सीधा सुनाबेड़ा, सीधा रास्ता, बहुत अच्छा रास्ता है। उसके बाद लास्ट 20 किलोमीटर थोड़ा स्टीप हिल है, बहुत खतरनाक है। नहीं, हिल स्टीप है, रास्ता अच्छा है, रोड अच्छा है, बट वो स्टीप है बहुत, बहुत। तो वो थोड़ा केयरफुल होके आने का। और ये जगह तो भाई वर्थ है, मतलब सीरियसली, मतलब अगर कोरापुट में रुक रहे हो तो 4 बजे निकलो वहाँ से, परफेक्ट टाइम पे यहाँ पे पहुँचोगे, एकदम मस्त, बहुत बढ़िया व्यू मिलेगा। 20 minutes later. Alright, so अभी सनराइज हो चुका है एंड व्यू अभी भी बेहतरीन। क्या जगह है यार, मतलब ये मज़ा आया। और ये जो मज़ा है मैं हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ ज़रूर आओ यार, ये मस्त जगह है, खतरा जगह है। यहाँ पे मैगी वैगी भी मिल रहा है, कॉफ़ी वॉफ़ी भी। तो अगर आप लोग सुबह सुबह यहाँ पे आ रहे हो भूखे प्यासे हमारी तरह, तो आप लोग मैगी वैगी कॉफ़ी वॉफ़ी पी सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे फोटोग्राफ्स वगैरह ले चुके हैं एंड अब हम लोग जा रहे हैं वो एक टॉप व्यू पॉइंट जो है वहाँ पर जा रहे हैं। एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो अगर टेंट वेंट रेंट पे मिल सकता है तो वहाँ से ले लो। रेंट पे मिलता है एक्चुअली, तो वहाँ से ले लो क्योंकि बहुत ही बढ़िया लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लोग बाग टेंट लगाए हैं। ये टेंट लगा के यहाँ पे रहना, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा भाई, मस्त लगेगा। रात को भी बहुत अच्छा लगेगा एंड सुबह सुबह तो माइंड ब्लोइंग है ये जगह। चलो वहाँ चलते हैं अब। वाह, मतलब हर दो मीटर आगे जाओ एक नया ही व्यू मिल रहा है। अमित, हाँ, कैसा लगा तेरे को ये जगह? अरे मस्त है यार, मस्त है भाई, सीरियसली वर्थ है ना भाई। लवासा और लोनावला से बहुत अच्छा, सीरियसली लवासा लोनावला से मेरे को भी अच्छा लगा भाई। और यहाँ पे अगर कैंपिंग कर लिए ना रात को, इमेजिन कर रहा स्टार्स ऊपर दिख रहा होगा, ओहो हो भाई मजा आ जाएगा। वहाँ तक जाना है हम लोगों को। वर्क इन प्रोग्रेस, रोड क्लोज्ड, ऑफ रोडिंग करके जाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ए सोएंसु, ये वर्क इन प्रोग्रेस सबसे ज्यादा तू कहाँ पे यूज करता है? वर्किंग मैं कमिट पे भाई आधा काम करता हूँ, वर्किंग प्रोग्रेस कल करूँगा बाकी। इधर से चलना। अबे वहाँ तो रास्ता नहीं है बे। अबे रास्ता कहीं नहीं होता है, रास्ता बनाना पड़ता है भाई। चलो तो आधा बना हुआ। अबे ये कौन है बे? देख तो अभी बना, ये क्या कर दिए? हरीश, ये कैसे लोग हैं? अभी ये फ्रेश बना है ये हरीश को हमेशा ये हरीश करो, जो भी फेमस कर दो, इसका मीम बनाओ। हु इज दिस हरीश? Find Harris. ये 10-1-21 ये कल ही आया है। So हम लोग वहाँ से आ रहे थे और ये रास्ता लेकर अभी पता नहीं कहाँ तक जाना है। ये व्यू लेकिन बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। थोड़ा ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग हो गया लग रहा है मुझे। क्या बोलते हैं? बहुत बहुत ज़्यादा स्टीफ है बोल रहा हूँ। हाँ वही ना, आने टाइम मतलब ये ऑलमोस्ट 60 डिग्रीज हो गया है ना।
मंजिल हमारे पास है और इट्स सो फाइनली हम लोग वो अपने मंजिल पे पहुंच चुके हैं। एंड यहाँ से जो व्यू है वो अभी तक मतलब खतरनाक है भाई। मतलब ये नो वर्ड्स, ओहो, ये शायद अच्छे से दिख नहीं रहा होगा बट ये एक हिल के पीछे और एक हिल है। मतलब ऐसे सबसे क्यों बहुत सारे हिल्स हैं, नेस्टेड हिल्स। अरे यार ये बहुत बेहतरीन है। ये उड़ीसा का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ए भाई मस्त पे, यहाँ से पूरा उड़ीसा दिख सकता है नहीं। और यहाँ पे मेरे को लगता है ऑक्सीजन लेवल भी सिग्निफिकेंटली डिफर करता होगा। हाँ भाई अभी चलते वक्त ही पता चल रहा था। रुक देखते हैं ऑल्टीट्यूड कितना है यहाँ पे। लेकिन थकाने वाला ट्रैकिंग है लेकिन वर्थ इट है। इसका ऑल्टीट्यूड है अभी 1460 मीटर्स। बढ़िया लग रहा है लेकिन मस्त व्यू है। ये बेंच भी यहाँ बना है सनराइज। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे देखिए बेंच वगैरह बना हुआ है वो एक फ़ोटो शूट करने के लिए या फिर फोटो वगैरह करने। यहाँ बेंच है एकदम एज पे बना हुआ। ओह मस्त व्यू यार। और ये माउंटेन रेंज कितना, मतलब ये बेस है एक एक जगह में। हाँ, फ्लैट है ऊपर आने के बाद टेबल टॉप जैसा। हाँ पहले कभी माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस नहीं किया। हे भाई कैसा लग रहा है आपको आज आकर? वाह मजा आया। यहाँ वाईफाई हो जाए तो वर्क फ्रॉम होम हो जाए। अबे सच्ची सीरियसली भाई, लैपटॉप लेके बस एक चार्जर थोड़ा चाहिए होगा। हाँ मजा जनरेटर लाना पड़ेगा अभी, लेकिन मजा आ जाएगा भाई। One hour later. तो वहाँ पे व्यू पॉइंट पे हम लोग तकरीबन 1000-2000 फोटोग्राफ्स लेने के बाद अब हम लोग फाइनली नीचे जा रहे हैं। इट्स 8:30 नाउ। नीचे जाना कंपेरेटिवली थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ऊपर आ रहे हो तो पानी बॉटल तो जरूर लेकर आना। हमने गलती कर दी, हम पानी बॉटल लेकर नहीं आए। हर बार हम कुछ ना कुछ गलती करते हैं। इंसान अपनी गलतियों से ही तो सीखता है। वो दिखाएंगे भी लीवर टैंकर पानी का बोतल कहाँ पे रखा, पूरा गीला कर देंगे। I still remember when I was really free and all the things I lived in the midst of the things that I left. I regret for this, it won't be the same. Yeah, I never felt this way. Cause I want to come back and find my way. And I have to run and run away. I'll finally choose, yeah. Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Now I'm disappearing, looking for life. This isn't the time for you. So we just made it over here to our resort and it's 1:20 और इस रिज़ॉर्ट का नाम है हरिता हिल रिज़ॉर्ट, जो कि हम लोगों ने बुक किया था आंध्र प्रदेश टूरिज्म से। एंड ये काफ़ी बढ़िया रिज़ॉर्ट और यहाँ का व्यू भी इस बालकनी से हमें जो दिया गया है, मैं देख के मतलब मेरे चेहरे पे स्माइल आ जा रही है। सो लेट्स हैव अ रूम टूर। और सबसे बेस्ट पार्ट है जो कि यहाँ का बालकनी है। वाह यहाँ पे पक्षियों की आवाज़ भी आप लोगों को आ रही होगी। काफ़ी बढ़िया है एकदम मस्त है। एक और बेस्ट पार्ट है यहाँ का, आप यहाँ पे बॉनफायर बुक कर सकते हो और एक ग्रुप के लिए बॉनफायर 1500 ये लोग लेते हैं। एंड उसके साथ आप यहाँ का बैम्बू चिकन काफ़ी ज़्यादा फेमस है तो आप वो भी बुक कर सकते हो, वो 600 पर केजी लेते हैं ये लोग। अब होपफुली वो अच्छा, हमने बुकिंग कर दिया सब कुछ बॉनफायर के लिए एंड बैम्बू चिकन के लिए। अब देखते हैं शाम को क्या होता है। 12:00 midnight. ये हमारा बैम्बू चिकन जो बॉन फायर में गर्म हो रहा है। वो हमारा रूम है। अराकू वैली में जो जो जगह हैं वो हम लोग कल एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो आज का वीडियो ऐसे शायद लंबा हो गया, सो इतना ही रखते हैं। आप लोगों से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर लेना अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और अगर अच्छा लगा हो। एंड शेयर भी कर सकते हो अगर कोई आपका दोस्त वोस्त घूमने जा रहा है या फिर नहीं भी जा रहा फिर भी शेयर करो यार, शेयर करने में पैसे थोड़े नहीं लगते हैं। सो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत नीचे लग रहा है जहाँ पे हम लोग पहले खड़े थे।